करो, लागू करो सीएमओ पे कमीशन, लागू करो, लागू करो पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दा मिशन, लागू करो सीएमओ पे कमीशन, लागू करो लर्निंग कोऑपरेटिव बैंक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पंजाब कोऑपरेटिव बैंक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद 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 सहकारी सभावा पंजाब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हाय जागते रहिए ते भी जागते रहे प्लाजम एकता जिंदाबाद, प्लाजम एकता जिंदाबाद, सेवा पे कमीशन लागू करो, सेवा पे कमीशन लागू करो पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, आरसीएस मुर्दाबाद, आरसीएस मुर्दाबाद, एमडी चंडीगढ़ मुर्दाबाद, एमडी चंडीगढ़ मुर्दाबाद, सेवा पे कमीशन लागू करो, सेवा पे कमीशन लागू करो, सेवा पे कमीशन लागू करो, साडे हक हिंदे रख, साडे हक कमीशन लागू करो, सेवा पे कमीशन लागू करो, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, आरसीएस चंडीगढ़ मुर्दाबाद, एमडी चंडीगढ़ मुर्दाबाद, एमडी चंडीगढ़ मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, साडे छेवा पे कमीशन लागू करो, छेवा पे कमीशन लागू करो, छेवा पे कमीशन लागू करो, साडे हक ऐठे रख, साडे हक ऐठे रख, साडे हक ऐठे रख। वाहेगुरु जी फतेह। अज तरन तारण सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का प्रधान मैं प्रधान सरदार भुपिंदर सिंह बोल रहा। अज अं छेवें पे कमीशन वास्ते हड़ताल से बैठे हाँ, क्योंकि ये छेवा पे कमीशन 2016 सानू मिल जाना चाहिए सी, जिहड़ा आगे 2021 दे विच अनाउंस हुंदा, पर 2022 दे विच भी आगे सानू ये अज तक नहीं मिलिया। जिहड़ी महंगाई उदों 10 रुपए की चीज़ मिलती, अज 100 रुपये की मिल रही है, पर साडियां तनखावां उत्थे दियां उत्थे ही आ। अहीं इस करके हड़ताल ते बैठे हाँ कि साडा पे कमीशन जल्दी तो जल्दी सानू भी मिले। साडियां 12 ब्रांचां नू ये मिल चुका, बाकी 12 सीबीआई नू मिल चुका, 8 सीबीआई जिहड़ियां इस तों अजे भी वांझियां ने। सानू दुख भी है इस चीज़ का कि साडे गाहक खराब हो रहे हैं। अज ब्याज का समा अहीं पंजाब दे विच खेती की रीढ़ की हड्डी मनी जाती है कोऑपरेटिव बैंक। साडियां सोसाइटियां हर पिंड दे विच पिंड दे जो किसानां नू सेवा दे रही ने, खाद बीज दवाइयां दे रही ने। सानू इस चीज़ का बहुत अफसोस भी आ कि अज इस हड़ताल के नाल किसानों की बियाई लेट हो सकती आ, उन्होंने गांह झाड़ पर भी असर होगा। इस करके अं सरकार अगर बेनती करते हैं कि साडा जल्दी तो जल्दी पे कमीशन लागू किया जाए, तो जो अं हड़ताल खत्म करके अपने काम से वापस जाइए, तो दिन दुगनी रात चौगनी अं तरक्की करिए इस कोऑपरेटिव बैंक वास्ते। पहले तो सब तो पहले सत श्रीकाल जी, थोड़े चैनल थ्रू जो सबसक्राइबर उन्होंने सत श्रीकाल बुलाना चाहता। मैं ब्रांच मैनेजर बलटोहा जतेंद्र मोहन बरेजा। सर सब तो ज़्यादा साढ़े तो ज़्यादा प्रभावित जरा हो रहा किसान हो रहा, क्योंकि इस टाइम कणक की खेती चल रही है, उन्होंने डाई की खाद की लोड़ है, तो सिर्फ पूरे पंजाब दे विच या पूरे हिंदुस्तान दे विच सहकारी संस्थावां इहो जिहियां जिहड़ियां कि किसानों सस्ते रेटा के उत्ते खाद डाई उपलब्ध करानी है। आपां हड़ताल से बैठे धरने से बैठे हाँ, इहदे पिछे जिहड़ी आ उह गलत नीति गवर्नमेंट दी गई आ। गलत नीति क्यों है कि वेखो पंजाब सरकार के जिहड़े दूसरे मुलाजम है बैंकों तो अलावा, वो टैक्स कलैक्ट करते ने, भावें मतलब रेवन्यू डिपार्टमेंट हो कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट हो, तो फिर उन्होंने अगला पे कमीशन मिलता या तनखावें मिलती वा, तो साडा जो बैंक है खुद ही इनकम जनरेट करता वा, कर्जा दिता वा किसानों भी तो आम पब्लिक भी, तो फिर साड़ी इनकम जनरेट होती है। तो सानू वेखो अपनी इनकम के विचों ही अपना तनखा लैनी है, तो फिर भी सानू जी छेवां पे कमीशन नहीं मिल रहा। वितकरा उत्थे अगे सर आपां पंजाब सरकार तो अपनी बैंक की मैनेजमेंट तो एम डी साहब तो माणयोग एम डी साहब तो चाहते हैं, आरसीए पंजाब साहब तक पंजाब तो चाहते हैं कि जिमें 12 बाकी बैंकों साडे सहकारी बैंकों छेवां पे कमीशन मिलिया वा, वो सानू भी मिल जाए, सानू मिले तो असं अपना धरना खत्म करिए। आयो सर चलाओगे। सब तो पहला सारियां नू सत श्री अकाल जी। इस तरह है कि पहला सरकार नू अल्टीमेटम दिता सीगा जिहदा करके 2 घंटे की हड़ताल का, तो 2 घंटे हड़ताल 6 दिन चलती रही है। उस तो बाद सरकार ने साड़ी कोई सुनवाई नहीं की। हुण कल तो अनमिथे समय लई
साड़ी हड़ताल चल रही है ते आने वाले समय में चलती रहेगी। सारी पंजाब दियां सारियां सीबियां ही बंद होणगियां जेकर 14 तरीक तक इन्हां साड़ी कोई मंग ना मन्ने। मुख मंगा ये आ छेवें कमीशन पे कमीशन की साढ़े ते लागू किया जाए क्योंकि 2016 तो ये लागू होना सी अज 22 का भी अखीर चले गया जो कि अजे तक लागू नहीं होया। पे कमीशन करके सानू हड़ताल करनी पई है क्योंकि साढ़े इतने टोटल 20 सीबियां ने पर 12 सीबियां पे कमीशन लागू हो चुका है लेकिन 8 साढ़ी सीबियां हाले तक पे कमीशन जो लागू नहीं किया गया। तो सरकार वालों साड़ी ये मांग है, सरकार मांग है साड़ी कि साड़ा भी जो 12 सीबियां वन सानू भी पे कमीशन लागू किया जाए। साड़ा बैंक भी जी सरकार वालों रखी गई जी सारिया शर्त ने CRR दियाँ या जी दूजिया शर्त ने प्रॉफिट दियाँ वो 31-22 तक सारिया उन्होंने पूरी साढ़े बैंक ने पूरी की गई ने पर फिर भी सरकार ने साडा वितकरा किया कि 12 सीबियां पे कमीशन लगा दिता है बट साड़ी सीबी हाले तक पे कमीशन जो नहीं मिले। असी हूँ पहले तो 2 घंटे की हड़ताल से कि जी साडे कस्टमर से खराब ना हो पर हूँ जो सरकार ने साड़ी मांग नहीं पूरी की तो आप अनमिथे समय लिए हड़ताल कर रहे हैं तो जदों तक सरकार मांग नहीं पूरी करेगी आप हड़ताल से ही रहेंगे। ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਾਕਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆ। ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 31-12-21 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਸ਼ਲਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 12 ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਸੀਬੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ PB ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਸੀਬੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 8 ਸੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ।